ये पूरा मंदिर के फ्रंट पे एक स्क्रीन रहेगा पूरा बड़ा, और वीडियो प्रोजेक्शन के थ्रू वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, वो प्रोजेक्टर से स्क्रीन के ऊपर जो है हम पूरा कंटेंट दिखाएंगे। तो क्या ये हमारा प्लान ये है कि इसको रोज चलाया जाए, हर रोज शाम को साउंड एंड लाइट शो होगा, जिसमें लाइटें होंगी, साउंड होगा, वीडियो मैपिंग हो इधर स्क्रीन पे चलेगा, तो काफ़ी लोगों का मनोरंजन भी होगा इसमें, और अयोध्या के लिए और पूरे यूपी के लिए और पूरे देश के लिए मतलब एक ये एक यू कैन से कि एक प्रतीक का चिन्ह बन जाएगा कि इतना बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है, इतना अच्छा एंटरटेनमेंट का एक काम होगा और लोगों को अच्छा संदेश इसके ज़रिए हम देंगे, लोगों को धर्म से जोड़ने वाला और लोगों को धर्म में विश्वास बनाए रखने वाला एक ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा इसमें हम लोग कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बस मैक्सिमम मेरे ख्याल से आज या कल में कंप्लीट हम कर देंगे इसको। जी नज़ारा तो बड़ा भव्य होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और पूरे घाट पर पूरी राम की पैड़ी पर जो है मेरे ख्याल से लाखों दिए जलाए जाएंगे, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इतने सारे दिए कहीं जलाए नहीं जाते हैं दीपावली पर, और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आएंगे, शायद प्रधानमंत्री जी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे, और भी बहुत गणमान्य व्यक्ति होंगे और जनता भी बहुत होगी। एक ये विचार रहा है कि केवल 5 दिन के बजाय साल भर जो है हम लोग राम की पैड़ी पर लोगों के लिए लाइट एंड साउंड शो दिखाएं, जिसमें हर महीने थीम भी चेंज कर दें, अच्छे कंटेंट्स हों, और वर्ल्ड का बेस्ट लाइट एंड साउंड शो हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको हम टेकअप कर रहे हैं। सर क्या कंपनी निर्धारित की जा चुकी है, उसके काम भी चालू हो चुके हैं, जर्मन की ये तो काम चालू कर दिया है। देखिए जो विश्व की बेस्ट है ना कंपनी होंगी, क्योंकि हम लोग कोई प्राइवेट कंपनियों के नाम लेते नहीं हो, प्रचार प्रसार की दृष्टि से हम लोग उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, लेकिन यह है कि जो सबसे अच्छे लाइट एंड साउंड शो होंगे उनके हम काम लेंगे। सर पिछले कई वर्षों से योजना रही है ड्रोन शो, वस्तुओं को लेकर क्या बड़ी तैयारी, लाइट एंड साउंड के लिए जो व्यवस्था इस बार की गई है, हम लोगों ने पिछले साल से प्रयास किया था कि परमानेंट फीचर हो हमारा, तो लाइट एंड साउंड के लिए जो व्यवस्था की गई वो परमानेंट फीचर होगा, और उसको बाद में अगले 5 सालों तक वो संचालित किया जाएगा। अच्छा। उसको हम लोगों ने व्यवस्था किया है और काफ़ी बेहतर होगा, इस बार वर्ल्ड क्लास का होगा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, और काफ़ी बड़े पैमाने पर उसमें काम चल रहा है, वहाँ लगभग 5 तारीख तक फिनिश हो जाएगा कार्यक्रम हम लोग का, उसको फिर उसको हम लोग ट्रायल रन लेंगे 5 तारीख के बाद, उसके बाद फिर वो बेहतर तरीके से संचालित होगा।